स्टूडियो में हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी जुड़े हुए हैं। मनीष, सबसे ज्यादा तो हंसी भी आ रही है और हैरानी भी हो रही है कि इतना दबाव बन गया है श्रीनिवासन के ऊपर इस्तीफा देने का, लेकिन जाते जाते अपनी खुद की शर्तें रख के जा रहे हैं। क्या उनको लग रहा है बीसीसीआई इंडिया सीमेंट्स है? शर्तें रखना दीगर बात है तान्या, लेकिन इस बात में जिस तरह से उनका अखड़ और अड़ियल जो व्यवहार रहा है, जो कि सामने आया है, वो पूरे तौर पर खुलकर फिर एक बार सामने आ गया है। ऐसी स्थिति में जब आपात बैठक बुलाई जाती है, आपात बैठक का मतलब अनिश्चितता खत्म करनी है, जो अनिश्चितता पैदा हुई है संजय जगदले के चले जाने के बाद, शिर्के के चले जाने के बाद, और इंडिया न्यूज के सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है और मेरी एक दो उपाध्यक्षों से भी खुद बात हुई है, उसके मुताबिक चार जोन के उपाध्यक्ष पहुंचने वाले हैं। उत्तर जोन के जो उपाध्यक्ष हैं, जिनका नाम अरुण जेटली है, वो दिल्ली में ही रहेंगे, वो नहीं पहुंचेंगे। चित्रक मित्रा पूर्वी क्षेत्र से, मध्य क्षेत्र से सुधीर डबीर, आपका निरंजन शाह पश्चिम क्षेत्र से, और दक्षिण क्षेत्र से शिवलाल यादव, ये चेन्नई पहुंच चुके हैं। और इसके साथ साथ जो बात, और एक बात इंडिया न्यूज को सूत्रों के हवाले से मिली है, वो ये है कि शशांक मनोहर चेन्नई में नहीं है, ना ही वो चेन्नई पहुंचने वाले हैं। और इसके साथ साथ ये भी बात जो सूत्रों के हवाले से आ रही है, उन्होंने ये खारिज कर दिया है कि जो बात आ रही थी या जिस तरह की संभावनाएं जताई जा रही थी कि शशांक मनोहर को अंतरिम अध्यक्ष बनाया जाए, ये भी इसके पक्ष में नहीं है। हालांकि जिस तरह से सशर्त श्रीनिवासन शशांक मनोहर को बनाए जाने को लेकर जो शर्तें रखी है, और जितना मैंने शशांक मनोहर को जाना है, वो इस प्रकार के व्यक्ति नहीं जो शर्तों पर काम कर दोबारा अंतरिम अध्यक्ष बने। तो यही सारी बातों को देखते हुए आज मुझे ऐसा लगता है कि फैसले से ज्यादा आज अनिश्चितता खत्म होनी चाहिए इस आपात बैठक में, जिसको लेकर सब वहां पर ताल ठोक कर पहुंचे हैं। बिल्कुल मनीष, जब ये आपात बैठक आज 2:30 बजे शुरू होगी, क्या कुछ होने की संभावना आपको ज्यादा लग रही है? जैसा कि आपने कहा कि चार जो उपाध्यक्ष है वो वहां पर पहुंचने वाले हैं, अरुण जेटली नहीं जाने वाले हैं, राजीव शुक्ला ने भी इनकार कर दिया है, उन्होंने कल ही इस्तीफा दिया था, वो भी नहीं जाने वाले हैं। आज जब ये बैठक शुरू होगी, क्या होता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, जहां तक क्रिकेट के आईपीएल में जो किचकिच हुई है, और बीसीसीआई उसमें चूंकि सबसे बड़ी बॉडी है क्रिकेट की, तो उसका और गवर्निंग काउंसिल से राजीव शुक्ला का इस्तीफा, ये ऐसे बहुत सारी मसले हैं जिसको लेकर क्रिकेट में साफ तौर पर यह दिखने लग गया कि राजनीति क्रिकेट पर हावी है। क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या एनसीपी, और ये तमाम बातों को लेकर जब चीजें एक एक कर खुलने लगी, तो इसमें सरकार की किरकिरी होना शुरू हो गई, बीजेपी की किरकिरी शुरू हुई। तो इसी स्थिति से बचने के लिए अगर श्रीनिवासन के सामने अरुण जेटली और राजीव शुक्ला जाते, तो हो सकता कि आंख में आंख नहीं मिला सकते कि आज हम तुमसे क्यों दूर हो रहे हैं।